बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार इन दिनों अपनी फिल्मों की शूटिंग में बिजी हैं। वहीं दिवाली के मौके पर उनकी फिल्म हाउसफुल 4 रिलीज होने वाली है। इस फिल्म को लेकर दर्शकों में काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। वहीं अब लीजिए खिलाड़ी कुमार के फैंस के लिए बेहद ही हैरान करने वाली खबर सामने आई है। आपको बता दें कि बॉलीवुड का एक यंग एक्टर ऐसा है जो कि बॉलीवुड का दूसरा अक्षय कुमार बनने की फिराक में है। ये एक्टर बार बार अक्षय के हाथों से उनकी ही फिल्में छीनता जा रहा है। दरअसल हम जिसकी बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि चॉकलेट बॉय कार्तिक आर्यन है। ये तो आप जानते ही हैं कि फिलहाल कार्तिक के पास पति पत्नी और वो आजकल और दोस्ताना 2 जैसी फिल्में हैं। इसके अलावा कुछ दिनों पहले ही उन्होंने अक्षय कुमार को उन्हीं की फिल्म में भूल भुलैया 2 से रिप्लेस किया था। अक्षय कुमार और विद्या बालन की भूल भुलैया के सीक्वल में अब कार्तिक आर्यन मेन लीड में नजर आने वाले हैं। लगता है कि अक्षय कुमार की फिल्म से कार्तिक आर्यन का मन नहीं भरा है। यही वजह है कि वो अब अक्की की एक और फिल्म को हथियाने का मन बना रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कार्तिक आर्यन को हेरा फेरी 3 ऑफर की गई है। कहा तो ये भी जा रहा है कि फिल्म के मेकर्स कार्तिक आर्यन से हाल ही में मिले हैं और उन्होंने कार्तिक से कहानी के बारे में बात भी कर ली है। फिल्म में कार्तिक आर्यन राजू के रोल में नजर आने वाले हैं, जिसे पहले अक्षय कुमार निभा चुके हैं। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि सुनील शेट्टी और परेश रावल फिल्म के तीसरे पार्ट का भी अहम हिस्सा बने रहेंगे। हालांकि अभी तक किसी भी तरह की कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई है। अगर कार्तिक इस फिल्म का हिस्सा बनने वाले हैं तो ऐसे में फैंस केवल अक्षय को ही इस फिल्म में मिस करने वाले हैं। ये तो हर कोई जानता ही है कि हेरा फेरी अक्षय कुमार की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक है। ऐसे में इतनी बड़ी फिल्म का उनके हाथ से निकलना काफी हैरान करने वाला है। कहना गलत नहीं होगा कि कार्तिक आर्यन अक्षय कुमार के लिए एक बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। वैसे आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहें हमारे साथ।